हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर फैसल रांझा। आज आपको जिस तरह पता है कि पाकिस्तान में कोविड, जिसको आप कोविड-19 ऑफ कोरोना कहते हैं, रिकॉर्ड केसेस 6400 के करीब आए हैं। 101 लोग अपनी जानों से जा चुके हैं। टोटल तकरीबन 2500 लोग मर चुके हैं और तकरीबन 1,30,000 केसेज अब तक हो चुके हैं। दर्जनों डॉक्टर बेचारे शहीद हो रहे हैं। अब ये एक कम्युनिटी स्प्रेड डिजीज़ है जो आपके घरों में फैल चुकी है, आपके मोहल्लों में फैल चुकी है, आपके शहरों में फैल चुकी है। अब ये फ्लू नहीं है, खुदा के लिए, जो बेवकूफ़ इसको फ्लू कहते थे, जिन्होंने इस मुल्क की बर्बादी करी। अब ये आप छोड़ दें सारा कुछ, अब ये उनके कुछ नहीं है। अस्पतालों में बेड्स नहीं है, आईसीयू में बेड्स नहीं है। अब आपने कुछ चीज़ें, जो तीन काम आपने खुदा के लिए अब करना है, जो आप कुछ अपने और अपने खानदान के लिए कर सकते हैं। एक ये खुदा के लिए जब घर से निकलें, पहला ये मास्क लगाएं। ये मास्क लगाने का तरीका है, इसको सिंपल आपने मुंह पे करना है, इसको नीचे नहीं करना, ऊपर नहीं करना, सिंपल मास्क लगा कर जब भी घर से निकलना है ये मास्क लगा कर। अगर आप ये मास्क सही तरीके से लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में वायरस होने का चांसेस बहुत कम है। अगर दूसरे बंदे ने भी लगाया हुआ है तो फिर तो बिल्कुल भी, बहुत ही कम, किस्मत ना खराब हो आपकी, अदरवाइज आपको नहीं होगा। अपने दफ्तरों में जाएं, जिस बंदे ने अपने दफ्तरों काम है, जिस बंदे ने ये मास्क नहीं लगाया, सो कहें भाई मास्क लगाओ, दैट्स इट, इस पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा, मास्क लगाओ, ठीक है। 6 फुट के फासले पे रहें। बिला वजह जनाजों पे जाने की, शादियों पे जाने की, पार्टियां करने की अब छोड़ दें, दफा करें। अब ये अगले 6 महीने आपके लिए बहुत मुश्किल है, इस कौम के लिए, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अस्पतालों में बेड्स नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अकल करें, अभी ये काम शुरू हुआ है, ठीक है। और ये जो हमारे हुक्मरान हैं, इनसे संभाला नहीं जा रहा, ना इनसे संभाला जाना है, इनसे अब तो रखना भी बेवकूफ़ है, ठीक है। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने ये करना है, जो आपके घर के बड़े बूढ़े हैं उनको फौरी अलहदा कर दें, 60 साल से 50 साल से ऊपर उनको अलहदा करें। जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर के करीब नहीं जाना। जो बंदे घर से बाहर जा रहे हैं, जब वो वापस आए मास्क उतारें, उसको फेंकें, नहाएं, फिर भी फैमिली में बैठना है तो आपने मास्क लगाना है। अपने बड़ों बूढ़ों के पास नहीं जाना, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर, उनको अलहदा कर दें, उनके पास नहीं जाना आपको, ठीक है, उनके पास नहीं जाना। तीसरा, खुदा के लिए टोटकों के अमल मत करें। ये मक्की कावे, ये फलाने कावे, ये टमाके कावे, जंगल के जंगल पी जाएंगे तो ये आपको कुछ नहीं है, इसको करना। अपनी हेल्दी डाइट लें, ताज़ी गज़ा लें, फल लें, फ्रेश जूसेस लें, दैट इज़ अनफ। क्यों पागलों की तरह अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ये मक्की कावे पी के, फलाना टमाका पी के, ठीक है। खुदा के लिए अपने अपने घर वालों का ध्यान रखें। जो बंदा मास्क नहीं पहनता, जो बंदा आपके करीब आता है, ये फैमिली फंक्शन वगैरह, बिल्कुल सुख है खुदा के लिए, उसके करीब नहीं जाना। तीसरा, अपने घर के बड़ों बड़ों को अलहदा करना है, खुदा के लिए अलहदा करना है। चौथा, अपनी ये जो खराफात है इनसे बचें। ये कुछ नहीं है खुदा के बंदो, ये कावे शावे कुछ नहीं है। मेरे पास परसों पेशेंट आए शौक में, शौक का मतलब है इतने बखाने उस बेचारे ने किए कि उस गरीब को हमें अब समझ ना आए, हम कहें कि इसको कोविड-19 हो गया, हम उसको हाथ लगाए, 103.4 बुखार और बुरा हाल हुआ उसका। फिर उसका बेचारे उसके भाई ने फिर कहा जी इसको कुछ भी नहीं, फिर हमने उसको, स्टाफ ने बेचारे ने उसको रिहाइड्रेट किया शौक से, मक्की कावा पीने से। उस बेचारे को कुछ भी नहीं था, सिर्फ मक्की कावा बेवकूफ पी पी के, गर्म पानी पी पी, कई लोग गर्म पानी पीते जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हम लोग कर रहे हैं यार। खुदा के लिए यार, बंदे के पुत्र बन जाओ। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। खुदा के लिए अपना, अपने घर वालों का ध्यान रखो, मास्क पहने, घर के बड़े बड़ों को अलहदा कर दें, जिनको शुगर है उनको अलहदा करें, खराफात ना पालें। अगर आपको कोई मसला होता है तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें, फौरी रब्ता करें, जितनी जल्दी रब्ता करेंगे उतना बेहतर होगा। जितनी जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचेंगे उतनी जल्दी आप ठीक होंगे, ठीक है। और ये फ्लू नहीं है, जो इसको फ्लू कहता है उसको अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए, ये फ्लू नहीं है। आपको अगर ये मरीज दिखा दें हम, जिस तरह उनकी हालत होती है, आपके प्यारों की, आपके घर वालों की, तो आपका, आपको मेरा ख्याल है 6 महीना नींद ना आए, अगर ये मरीजों के बेचारों की हालत आप देख लें। तो खुदा के लिए मास्क पहने, अपने बड़े बूढ़े घर वालों को अलहदा करें, किसी शादी फंक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलना। और आखिरी, मक्की कावे और ये फलाने टमाके स्टीमें, बिला वजह पानी पीते जाना, अच्छी गजा लें, डैट इज इट। थैंक यू वेरी मच।